दोस्तों, अगर स्टॉक बढ़िया हो और लेबल सही मिल जाए आपको, तो उससे अच्छा और बेहतरीन रिटर्न कुछ भी नहीं है। और एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ जो कि अपने बेहतरीन लेबल्स पर खड़ा, एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, और ये स्टॉक अब यहाँ से बॉटम बेस बनाकर एक अच्छी और बड़ी तेज़ी आने वाले महीनों में आपको दिखा सकता है। दोस्तों, अगर आप पोजिशनली बाइंग करेंगे इस स्टॉक को अगले एक साल से डेढ़ साल के लिए, तो यहाँ से ये आपको 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न गारंटीड देगा। और इसीलिए मैंने इसको आपको जो टाइटल दिया वो यही दिया, पकड़ लो जल्दी रनवे पर है फाइटर जेट। ऑलरेडी रनवे पर आ चुका है, बॉटम बेस है, और यहाँ से ये एक अच्छी और बड़ी तेज़ी आपको सभी जल्दी ही दिखाएगा। दोस्तों, कौन सा स्टॉक, इसके बारे में हम पूरी चर्चा में बात करेंगे। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप स्टॉप लॉसेस और इंपॉर्टेंट लेवल्स को मिस कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं, कौन सा ये स्टॉक है। तो दोस्तों, ये स्टॉक है NBCC इंडिया का। इसको एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर लगभग 1400 करोड़ का, 1380 करोड़ का ऑर्डर मिला है। NBCC को 1380 करोड़ के दो ऑर्डर मिलने थे, शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आज थोड़ा ऊपर गया बट नीचे की तरफ क्लोजिंग रही, फिर भी क्लोजिंग जो थी वो ग्रीन में ही थी। बट ये समय बहुत ही बेहतर है इस कंपनी के अंदर एंटर करने का। कंपनी को एम्स में रीडेवलपमेंट के लिए ऑर्डर मिला, और साथ ही साथ एम्स के आयुर्विज्ञान कैंपस का कंपनी रीडेवलपमेंट करेगी। उसके साथ ही लखनऊ के चारबाग स्टेडियम, जो चारबाग स्टेशन है, उसके रीडेवलपमेंट के लिए भी कंपनी को दूसरा ऑर्डर मिला है। तो चारबाग स्टेशन का रीडेवलपमेंट और साथ ही एम्स के आयुर्वेदिक संस्थान, जो भी आयुर्वेदिक कैंप है, उसके रीडेवलपमेंट के लिए एक इनको 1400 करोड़ का के दो बड़े ऑर्डर मिले हैं, और ये कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन थे उसमें एक बड़ा तमगा लगा सकते हैं। दोस्तों, तो NBCC का फंडामेंटल्स कुछ देखते हैं। केवल 53.30 रुपये का स्टॉक चल रहा है। यहाँ से जो आपका स्टॉप लॉस होगा केवल 8 रुपये का ही, आपको इसमें एग्जिट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, मात्र 8 रुपये का स्टॉप लॉस, जबकि रिवॉर्ड अल्टीमेट है इसमें। BSE का कोड 534309 और NSE का कोड NBCC, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल सेक्टर की कंपनी है। फिलहाल 9594 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप, 26 की PE है, जबकि इंडस्ट्री PE 21 है। तो फिलहाल अगले कुछ दिनों में या एक दो हफ्ते और ये कुछ कंसोलिडेशन जरूर दिखाएगा, बट आने वाले महीनों में इस स्टॉक से बेहतर स्टॉक समय मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये अपने स्ट्रांग बॉटम बेस पे खड़ा हुआ है। EPS 2.03 का है और प्राइस टू बुक 4.53 है, जो कि धीरे धीरे कंट्रोलिंग में आ रही है, और फेस वैल्यू 1 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 10 सितंबर थे, 14 सितंबर की बुक क्लोजर थी, और अभी इसकी रिजल्ट डेट डिक्लेयर नहीं हुई, जो कि सितंबर रिजल्ट्स आने वाले हैं। डेट फ्री कंपनी है, किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप ईयरली नंबर्स की और क्वार्टरली नंबर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम आपको ईयरली नंबर्स दिखा देते हैं, कंसोलिडेटेड दिखाएंगे हम आपको। सो मार्च 18 में कंपनी ने 6890 करोड़ 6890 करोड़ की टोटल सेल्स की थी, जबकि मार्च 17 में केवल 7348 करोड़ की सेल्स थी। यानी कि मार्च 17 से मार्च 18 में सेल्स में डिक्लाइन आया, और जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक के प्राइस में भी देखने को मिला, और स्टॉक मोर देन 100 पर ट्रेड करते करते 53-54 की रेंज में आ चुका है। और अब ये बहुत ही शानदार लेवल्स हैं। प्रॉफिट्स 454 करोड़ के थे लास्ट ईयर, जो कि इस बार प्रॉफिट्स डेफिनेटली बढ़े हैं। बॉटम लाइन ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 546 करोड़ के प्रॉफिट हो गए, लगभग 90 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं कंपनी के। ओके, इसके अलावा क्वार्टरली नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो क्वार्टरली नंबर्स आपको बताएंगे हम, यहां पर क्वार्टरली नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें भी हम कंसोलिडेटेड अगर बात करते हैं, तो जून क्वार्टर में, अगर जून क्वार्टर की बात करते हैं, तो जून क्वार्टर में 1844 यानी 1844 करोड़ का टोटल सेल्स था, जो कि लास्ट जून में यानी जून 17 में 1548 करोड़ का। टॉप लाइन भी बहुत ही बढ़िया रहा है इस वर्ष जून में, और बॉटम लाइन में भी अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर 91.96 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस था, और इस बार 109.63 का PBT रहा है। एंड ओवरऑल नेट प्रॉफिट जरा पिछले साल 61 करोड़ का था, और इस बार बढ़ के 76 करोड़, यानी लगभग 15 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का जून टू जून क्वार्टर में इंक्रीज हुआ। सो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स अमेजिंग है, शानदार कंपनी है, एक अच्छा स्ट्रांग बिजनेस बेस है, एक जबरदस्त मजबूत ऑर्डर बुक अगर बात करते हैं हम कंपनी के, फिलहाल कंपनी के प्रोजेक्ट कंप्लीशन जैसे जैसे बढ़ेंगे, जो प्रॉफिट मार्जिन थे इनके रिफ्लेक्ट होंगे बैलेंस शीट के अंदर, और ये स्टॉक आपको डेफिनेटली भागता हुआ दिखाई देगा। सो NBCC इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरल सेक्टर, और मुझे लगता है ये वक्त
बहुत ही बढ़िया से स्टॉक में एंटर पोजीशन बनाने का। अगर मैं इसके चार्ट्स के बारे में बात करता हूँ तो हम लोग वीकली चार्ट की बात करेंगे, तो यहाँ से हम लोग आपको वीकली चार्ट के बारे में बताएंगे। तकरीबन 46 जो मैंने आपको 45 रुपीज़ का बताया, आप मान के चलिए 45 रुपीज़ इज़ द बेस्ट सपोर्ट लेवल ऑन द वीकली चार्ट, और यहाँ से स्टॉक में एक ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आप देखेंगे पिछले तीन हफ्तों से गिरावट के बाद पिछले तीन हफ्तों से कैंडल यहीं पर सस्टेन कर रही है, होल्ड करने की कोशिश कर रही है 46 के लेवल को, जबकि मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट का दौर चल रहा है। उस कंडीशन में ये स्टॉक अपने आप को 50 रुपीज़ के ऊपर होल्ड करने की पूरी तरह से सफल रहा है और ये 50 के नीचे अभी तक नहीं गया है ये स्टॉक। सो ओवरऑल मंथली चार्ट पर भी अगर मैं देखता हूँ तो मंथली चार्ट पर भी जो स्टॉक का जो मंथली क्लोजिंग है वो 45 रुपीज़ मैक्सिमम है, यानी कि मंथली कैंडल पर भी आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो बनाएंगे वो 45 को बनाएंगे। 45 डेली, वीकली और मंथली तीनों ही मोड में एग्जिट स्टॉप लॉस रहने वाला है इस स्टॉक के अंदर। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले 12 से 18 महीने में डेफिनेटली ये स्टॉक वापस आपको 120 से लेकर 140 की रेंज में डेफिनेटली आपको आउट परफॉर्म नंबर्स देगा, यहाँ से आपका प्रॉफिट दोगुने से भी ज़्यादा हो सकता है। सो ये NBCC के बारे में हमने बात की, एक बड़ा ऑर्डर बुक है, एक बड़ा ऑर्डर मिला है 1400 करोड़ का, और स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप SIP शुरू कर सकते हैं, हर महीने 50-100 शेयर खरीद सकते हैं, लंबी अवधि के लिए रखिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त और मोटा मुनाफा ये स्टॉक कमा के देगा। तो ये हमने बात की NBCC के बारे में, कुछ और स्टॉक के बारे में डेफिनेटली हम जल्दी ही आपके साथ हाजिर होंगे, फिर आपको बताएंगे कि कौन से वो बेहतरीन लेवल थे उन स्टॉक्स में जहां से बॉटम बेस बहुत ही सीमित है और अपसाइड का मोमेंटम ज़बरदस्त और शानदार रहेगा। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को।